नमस्कार दोस्तों, बोल्ड स्काई में आपका स्वागत है। आज के दौर में स्मार्टफोन हर किसी की ऐसी जरूरत बन गई है, उससे दूर होने की सोचते ही घबराहट होने लगती है। सुबह आंख खुलने के साथ रात को जब तक नींद नहीं आती तब तक मोबाइल फोन का इस्तेमाल जारी रहता है। यही वजह है स्मार्टफोन के इस्तेमाल के चलते लोगों को कई बीमारियों का सामना करना पड़ता है। किसी की आंखों की रोशनी जा रही है तो किसी की रीढ़ की हड्डी में परेशानी हो रही है। इसके अलावा और भी कई सारी बीमारियां हो रही हैं। वहीं स्मार्टफोन की लत के चलते लोग नोमोफोबिया नाम की बीमारी से भी पीड़ित हो रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में 4 में से 3 लोग कथित तौर पर नोमोफोबिया से पीड़ित हैं। ये कैसे आपको प्रभावित करता है, ये क्या बीमारी है, आइए जानते हैं आज इस वीडियो में। क्या है नोमोफोबिया? दरअसल नोमोफोबिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें व्यक्ति को उसके स्मार्टफोन से अलग होने का डर हर वक्त सताता रहता है। 10 में से 9 यूजर्स ऐसे हैं जो फोन की बैटरी 50% से कम होने पर चिंतित होने लगते हैं। नोमोफोबिया का असल मतलब है नो फोन का फोबिया, यानी कि आपके मोबाइल से अलग होने का डर, यह स्मार्टफोन को इस्तेमाल ना कर पाने का डर। रिपोर्ट्स के अनुसार लोगों में मोबाइल फोन खोने का डर तेजी से बढ़ रहा है। इसी डर को नोमोफोबिया कहा जाता है। इस स्थिति में व्यक्ति को इस बात का भी डर लगा रहता है कि कहीं उसके फोन की बैटरी ना खत्म हो जाए, कहीं उसका फोन ना खो जाए। ज्यादा स्मार्टफोन इस्तेमाल करने के नुकसान: कंप्यूटर विजन सिंड्रोम, रीढ़ की हड्डी पर गंभीर असर, स्किन से जुड़ी समस्याएं, नींद से जुड़ी समस्याएं, मानसिक तनाव का बढ़ना, आत्मविश्वास की कमी। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।